आज के लोगों में स्वस्थ रहने के पैमाने बदल रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी में फिट और अच्छी बॉडी पाने का अलग ही क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरफ लड़के जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग और सिक्स पैक एप्स बनाने में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां भी जीरो फिगर और स्लिम बॉडी पाने के लिए भारी वर्कआउट करती हैं। चिंताजनक बात यह है कि बॉडी बनाने के चक्कर में युवा बहुत कम उम्र में ही जिम जाना शुरू कर देते हैं, जो गलत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कम उम्र में जिम शुरू करना हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है। कम उम्र में लड़का हो या लड़की, सभी के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है योग करना और साइकिल चलाना। योग से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मानसिक तनाव कम होता है, तो साइकिलिंग से मांसपेशियां मजबूत होंगी और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ती है। इसके अलावा तैराकी भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्या है जिम जाने की सही उम्र? हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो 18 से 20 साल की उम्र के बाद ही तेज वर्कआउट करना चाहिए, यानी 20 वर्ष के बाद ही जिम जाना शुरू करना चाहिए। हालांकि 18 की उम्र के बाद जिम ज्वाइन करके फिटनेस लेवल बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि शरीर का विकास और मजबूती पाने के लिए व्यायाम और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन 15 से 17 साल की उम्र यानी किशोरावस्था में बहुत भारी भरकम वर्कआउट नहीं करना चाहिए, इसलिए इस उम्र में जिम नहीं जाना चाहिए। इस उम्र में शरीर और मांसपेशियों का विकास अभी पूरा नहीं हुआ होता है, इसलिए भारी वजनों से वर्कआउट कराने पर मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। शारीरिक विकास के लिए जिम नहीं, खेलकूद है जरूरी। शरीर का विकास बचपन में होता है और हड्डियां मजबूत भी इसी उम्र में होती हैं। इसलिए बचपन में बच्चों को प्राकृतिक रूप से खेलना कूदना चाहिए। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल खेलें, पार्क में दौड़ें, कूदें, चढ़ाई करने जैसी शारीरिक गतिविधियां करना चाहिए। ये सब खेल और शारीरिक गतिविधियां युवाओं के लिए बेहद लाभदायक होती हैं। लेकिन 14-15 साल की उम्र में बच्चों को जिम भेजना किसी भी मायने में सही नहीं है। जिम की भारी एक्सरसाइज से बच्चों की मांसपेशियों में चोट लग सकती है और यह उनके विकास के लिए सही नहीं है। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहे पर्यावरण पोस्ट के साथ।